चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यानी कि यमुनोत्री का पैदल मार्ग बारिश के चलते क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों की परेशानी को सुनने वाला यहां कोई नहीं है। यहां तक कि मामले को पुरोहित और स्थानीय लोग भी उठा चुके हैं, लेकिन कोई टूटे हुए 20 मीटर मार्ग को ठीक नहीं कर रहा है, ना ही इसकी सुध ले रहा है। स्थानीय लोगों के साथ पुरोहितों ने मामले को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। बरसात में ये रोड बंद हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। ये टेम्परेरी व्यवस्था करी है इनने, दो होमगार्ड के पुलिस वाले छोड़ के रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। उनकी कोई घोड़े वाले भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। यात्री सारा परेशान हो रहा है। ये रोड बंदा नीचे बता रहे हैं, यहाँ की जो है जनता का पत्र महीना बता रहे हैं, यहाँ का ये रोड पूरा टूटा हुआ टेम्परेरी ये आवागमन के लिए कर दिया है। यात्री यहाँ स्लिप हो रहे हैं, बरसात हो गई तो इस रोड पर चल नहीं सकते, जाम की इतनी स्थिति है। घोड़े वाले भी चल रहे हैं उसी पे पैदल वाले चल रहे हैं, और जल भराव होने के कारण यमुनोत्री में एक स्थान पर पैदल मार्ग कुछ जगह कुछ लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल PWD बेडकोट द्वारा कर दी गई थी, परंतु जो वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग है वो कुछ संकरा है। तो जो पूर्व में मार्ग था उसी को ठीक करने के लिए PWD बेडकोट द्वारा इसमें भूवैज्ञानिक का भी निरीक्षण करवाने के वहाँ प्रयास चल रहे हैं। वो जैसे ही निरीक्षण होता है, रिपोर्ट आती है, उसको पूर्ण रूप से पूर्व की तरह ही ठीक करने पे जल्दी से कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगामी समय में जब यात्रा बढ़ती है तो कम से कम असुविधा यात्रियों को हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन